बहुत टेस्टी है जो भी है ऑब्वियसली मैं तो खाऊंगा ही एक्चुअली आई मीन आई वुड से दैट बर्थडे होता तो है बट आपका एक साल आपकी जिंदगी का बढ़ जाता तो यू जस्ट काइंड ऑफ ग्रोइंग ओल्ड एंड स्पेशल होता है हर एक डे एक्चुअली आई वुड से हर एक डे स्पेशल यू डोंट नीड अ बर्थडे टू फील स्पेशल ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड या सो आई वुड से कि अगर आपका जो बर्थडे है आपके लव्ड वंस के साथ आपके फ्रेंड्स के साथ आप स्पेंड करें तो आई थिंक व्हाट बेटर देन दैट आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई हैव दैट कैन हैपन टू एनीबॉडी सो वही चीज़ है. वेल ये बर्थडे मैं दिल्ली जा रहा हूँ. आई थिंक मैं मोस्ट प्रॉब्ली अपने फैमिली के साथ हूँगा और जब मैं वापस आऊँगा तो आई थिंक आई एम प्लानिंग टू थ्रो अ पार्टी एज वेल. सो पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पे आने की बात करूँ इफ ओनली इफ आई गेट टाइम एंड यू गाइस विल बी कॉल सो डोंट वरी. सो या बचपन में मुझे स्कूल का याद है कि यू नो जब हम लोग जब भी बर्थडे होता था तो बहुत एक्साइटमेंट रहता था. और बचपन में होता क्या था कि मॉम डैड एक्लेयर्स का एक वो लेके आते थे बहुत सारे एक्लेयर्स का ना तो एक एक दो दो एक्लेयर्स हम लोग आपकी ये फिर आपकी ये फिर एक एक तो स्कूल में क्लास में बांटते थे बच्चों को. एंड अभी अगर कोई ये करेगा तो बहुत ही फूलिश लगेगा कोई बच्चा. सो बट आई थिंक उस टाइम का वो ट्रेंड था हर एक जिसका भी बर्थडे होता था वो उस दौरान यही चीज़ ट्रेंड फॉलो करता था एंड सेम वेंट विद मी एज वेल. नहीं यार ऐसा कोई मैं वेट कर रहा हूँ ऐसे किसी बर्थडे के साथ मेरे दिल के बहुत करीब है बट आई थिंक छोटा बड़ा कुछ भी हो मैं कुछ वैसे कंसिडर नहीं करता कि भाई यू नो ये बड़ा है तो ये अच्छा है ये छोटा है बेकार तो अच्छा नहीं है. बट आई थिंक जो भी कोई गिफ्ट देता है वो अपने पूरे दिल से पूरे अगर आप उसको प्यार करते हैं उससे देता है वरना नहीं देता लिटरली. तो छोटा बड़ा एवरी गिफ्ट इज स्पेशल टू मी. मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अभी लिटरली टीवी इंडस्ट्री में मैं लाइक सब लोग जानते हैं माशाल्लाह से टचवुड और मैं चाहता हूँ कि 2019 में जो बर्थडे है मैं फिल्म इंडस्ट्री में मनाऊँ. सो आई थिंक लेट्स होप कि यार कुछ अच्छा बड़ा हो एंड यू नो हु डजंट वांट टू डू अ मूवी एंड ऑल. सो कुछ बड़ा हो कुछ बेटर हो तो आई थिंक या लेट्स पर्सनली कैसे मनाया जाएगा लाइक पर्सनली पर्सनली मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और रिलैक्स्ड हो जाऊँ मैं थोड़ा इम्पेशेंट हूँ थोड़ा पेशेंस लेवल मेरा जो है वो थोड़ा बढ़ जाए 2019 में और मैं अपने लाइफ को थोड़ा सीरियसली ले लग जाऊँ जो कि मैं अभी बिल्कुल नहीं लेता. सो या आई थिंक ये ऐसा कुछ बदलाव है जो मैं चाहूँगा. वेल ऑफ कोर्स अपने दुश्मनों के साथ तो नहीं मनाऊँगा वैसे मेरे कोई दुश्मन है भी नहीं टच वुड बिकॉज मैं जहाँ भी जिससे मिलता हूँ वो दोस्त बना लेता हूँ उसे एंड लोग भी काफ़ी मानते हैं मुझे उस मामले में. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं फैमिली हैं उनके साथ मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँ एंड